हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर के स्केल मॉडल के बारे में। सो ये स्केल मॉडल टाटा ने लॉन्च करा था 2019 में, जब उन्होंने हैरियर लॉन्च करी थी। और ये है मीडिया कलर, जो फर्स्ट हैरियर के बैचेस में आया था, बट उसके बाद एक साल बाद ये मीडिया कलर बंद हो गया था। और जितने भी कलर्स या अपडेट्स उसके बाद हैरियर में आए, उनका कोई स्केल मॉडल नया नहीं आया। और स्पेशली डार्क एडिशन मेरे को काफी ज्यादा पसंद है टाटा हैरियर में, उसका स्केल मॉडल भी नहीं है। सो मेरे पास एक स्पेयर हैरियर का स्केल मॉडल पड़ा था, वो मैंने भेजा अपने फ्रेंड के पास, जो कि स्केल मॉडल्स मॉडिफाई करता है, आस्तिक मॉडिफिकेशन। उसका इंस्टाग्राम पेज भी है और उसके बारे में बात भी कर चुका हूँ। एक दो मॉडिफाइड मॉडल्स मैंने उससे लिए हैं, जिनके ऊपर मैंने वीडियो भी इस चैनल पे बनाई हुई है। एंड आज मेरे पास हैरियर डार्क एडिशन मॉडिफाई होकर काफी टाइम बाद आ चुकी है, तो करने वाला हूं मैं उसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं कंपेयर टू ये नॉर्मल रेगुलर हैरियर का स्केल मॉडल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है पैकेजिंग, और पैकेजिंग में कोई चेंज नहीं है। और ये है स्टॉक मॉडल जैसा ये आया था, और इसमें ये मीडिया कलर है ऑरेंज शेड जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड इस पर्टिकुलर मॉडल जो मैंने मॉडिफाई करके मंगाया है, उसमें इंटीरियर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को फर्स्ट हैरियर की जब मीडिया ड्राइव हुई थी उसके आसपास मिला था, तो उस टाइम इंटीरियर रिवील नहीं हुआ था, तो इस मॉडल में भी नहीं है। बट उसके बाद जो अपडेट आया था उसमें इंटीरियर था, और इंटीरियर काफी डिटेल्ड है। जो मेरे पास दूसरा मॉडल है उसमें भी इंटीरियर है, और अगर आप आज की डेट में हैरियर का स्केल मॉडल लेने जाते हो तो आपको इंटीरियर वाला ही मॉडल मिलेगा। एंड अगर आपको मॉडल लेना है तो वो आप ले सकते हो अपने नियरेस्ट टाटा डीलरशिप से, आपको 4,000-4,500 के आसपास का मॉडल मिलेगा। और ये है डार्क एडिशन। तो यहां पर कुछ चेंजेस की मैं बात कर लेता हूं स्टॉक मॉडल के कंपैरेटिवली, बट आप पहले देख सकते हो पेंट क्वालिटी काफी अच्छी है, और डिटेलिंग सारी की सारी जैसे स्टॉक मॉडल में थी वैसी यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। सो ये है दोनों मॉडल साइड बाय साइड, और स्टॉक मॉडल में इंटीरियर भी है, उसके कुछ क्लोजअप शॉट्स भी मैं ऐड कर दूंगा। बट इसके अलावा डिटेलिंग भी डार्क एडिशन में आस्तिक ने काफी अच्छे से उसको मेंटेन रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो तीन चीजें थी। फर्स्ट, ये जो हैरियर की बैजिंग है टेलगेट पे, ये स्टॉक मॉडल में भी बॉडी कलर में थी और हाईलाइटेड नहीं थी, तो वो हाईलाइट करिए, और आप देख सकते हो सिल्वर कलर का यहाँ पर हैरियर लिखा है। सेकेंड, जो क्रोम या मॉडल में सिल्वर स्ट्राइप जा रही है विंडोज के ऊपर, वो काफी नीटली डिटेल्ड है ब्लैक एडिशन में। इसके बाद जो थर्ड चीज थी वो है DRLs। सो DRLs हेडलाइट्स की तरह रिमूवेबल नहीं थे स्केल मॉडल में, तो वो बॉडी का एक हिस्सा थे, वो भी काफी नीटली डिटेल्ड हैं और रियलिस्टिक लग रही है। एंड तभी ये मॉडल काफी हद तक स्टॉक जैसा ही लग रहा है। एंड ये तो है डार्क एडिशन, बट जितने भी हैरियर के शेड्स आते हैं उसमें आप अपना हैरियर का मॉडल कस्टमाइज करा सकते हो आस्तिक मॉडिफिकेशन से। मॉडिफिकेशन के चार्जेस 1500 रुपीज हैं, और इसके अलावा मैंने इन दोनों के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को तो ये स्केल मॉडल काफी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो आप इस वीडियो को, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @miniature_automobiles फॉर डेली अपडेट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।